तो गाइस ये वीडियो स्पेशली उनके लिए होने वाली है जो कि सिर्फ आहूजा का ही प्रोडक्ट रखते हैं, चाहे माइक हो, मिक्सर हो, एम्पलीफायर हो, टॉप हो, बेस हो, कैबिनेट हो या अदर कुछ भी हो। तो ये उनके लिए वीडियो स्पेशल है क्योंकि इसमें आज हम एक 6 चैनल का मिक्सर का अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि आहूजा की तरफ से आता है और इसका क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को मैं ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ और इसका ओरिजिनल प्राइस मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे कुछ डिटेल देख सकते हैं, इस मिक्सर का मॉडल नंबर है FMX106 है मॉडल नंबर और इसमें इको भी साथ आता है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, करते हैं इस मिक्सर का अनबॉक्सिंग। लेकिन उससे पहले गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये ऊपर से मैंने इसका ढक्कन खोला तो इसमें मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि एक बॉक्स के अंदर एक और कार्टून का बॉक्स था जो कि मुझे आहूजा का सामान लेते वक्त सबसे अच्छा उनकी पैकेजिंग लगती है क्योंकि उनकी पैकेजिंग बहुत ही बेस्ट एंड हाई लेवल वाली होती है। तो इसको मैंने ओपन जब किया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके अंदर देखिए एक बॉक्स था, उसके अंदर साइड में फोम लगा के और प्लास्टिक के अंदर मिक्सर था जो कि अगर कहीं ट्रांसपोर्ट में आपका इधर उधर गिर भी जाए ना तो मिक्सर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने वाला है। और ये देख सकते हैं मुझे पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन पैकेजिंग से ज़्यादा मुझे अच्छा इसका क्वालिटी लगा जो कि नेक्स्ट लेवल क्वालिटी था। इसको मैंने चला के देखा उसके बाद ही आपके लिए लाया। और भाई मैं कहूँगा कि अगर जिसको छोटा डीजे सेटअप चलाना हो या छोटा कोई सा भी फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, वो तो आप लोग ये मिक्सर परचेस कर सकते हैं। तो ये आपका ऐसा कुछ लुक दिखाई देगा जो कि मुझे बहुत अच्छा लुक लगा इस मिक्सर का। तो आप लोग देख ही सकते हैं इसमें आहूजा FSX था जो कि 106 मॉडल नंबर था और इसकी जो VC थी, नॉब थी, बहुत ही गजब थी और बहुत सॉफ्ट काम कर रहा था। तो यहाँ पे आप लोग 6 माइक इनपुट कर सकते हैं और 2 आउटपुट कर सकते हैं। तो मिक्सर कुछ ऐसा दिखता है और बहुत ही गजब इसका लुक था। इसमें 2 आते हैं, एक 8 चैनल भी आता है और एक 6 चैनल भी है जिसमें डिजिटल ईथी आता है, ब्लूटूथ वाला सिस्टम भी आता है, पेनड्राइव वाला वो भी आप ले सकते हैं। तो ये बिना पेनड्राइव वाला है। तो ये रहा इसका चैनल 1 है जो कि गेंग हो गया, आप लोग देख सकते हैं ये चैनल 1 का गेंग है। उसके नीचे ट्रेबल है, उसी के नीचे बेस है और उसके नीचे इफेक्ट्स का ऑप्शन है जो कि इको है और नीचे लेवल वाला ऑप्शन दिया हुआ है जो कि VC है। और यहाँ पे देख ही सकते बहुत मुझे अच्छा लगा ये मिक्सर। और एक मुझे इसमें अजीब लगा क्योंकि इसमें ना 5 और 6 एक ही पर दे दिया था, चैनल 5 और 6 लेफ्ट करके, लेफ्ट मोनो और राइट करके दे दिया था। और बहुत ही अच्छा मिक्सर है, क्वालिटी इसकी बेस्ट है भाई, जिसको लेना है आहूजा ले सकता है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, छोटा सेटअप चलाना है तो आहूजा बेस्ट है। और यहाँ पे इको का ऑन ऑफ स्विच देख सकते हैं, रिपीट हो गया, डेली हो गया और लेवल हो गया जो कि इको बहुत ही बेहतरीन इसका इको है। और ये मास्टर वॉल्यूम भी हो गया लेफ्ट और राइट, और वहाँ पे क्लिप हो गया, सिग्नल हो गया और पावर भी हो गया। और बहुत ही मस्त मिक्सर है और ओरिजिनल के लिए यहाँ पर QR कोड भी दिया है। और इसका मॉडल नंबर आपने देख लिया, आहूजा FMX106 है जो कि इको के साथ आता है और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है इसकी। और यहाँ पे बैक पैनल पे आप ही देख सकते हैं एक स्विच है और इसी के बगल में एक फ्यूज़ भी दिया हुआ है। और वायर की क्वालिटी बहुत अच्छा थी, यहाँ पे आहूजा लिखा हुआ है बड़े बड़े शब्दों में। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमिंग आपका मिक्सर उठाता है तो यहाँ से आप लोग अर्थिंग दे सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर ये भी बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, रही बात प्राइस की, तो गाइस ये पड़ा 4250 रुपये का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।